हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है शिवपाल सिंह सोखी और घर पे सबसे आसान तरीके से अचार या आलू कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास उबले हुए आलू होने चाहिए, ये हो गया तो बाकी सारा कुछ हो जाएगा। थोड़ा बहुत अचार हो, कोई भी वैरायटी का हो, उसके साथ साथ थोड़ा सा अदरक चाहिए आपको, 5 फोरन राई का तेल। बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम राई का तेल डाल लेते हैं। राई का तेल से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैं राई का तेल ही आपको कहूंगा कि आप राई का तेल यूज करें। इसके साथ साथ 5 फोरन ये डाल लिया, अदरक बारीक कटा हुआ अदरक, ये लीजिए जैसे मेरी बेबे कहा करती थी, बड़े प्यार से कहती, वाह। और इसमें देखिए कितने जल्दी बन रहा आलू, 2 उबले हुए आलू काट लें, थोड़ी देर पकाएं, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच 5 फोरन और 2 उबले हुए आलू काट के डाल दिए। इसके साथ साथ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ये डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच ये डाल दिया, चुटकी भर हल्दी, नमक जो है वो नमक चमक करके डालिए, नाचिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल करके डालिए, ज्यादा नहीं क्योंकि हम अचार यूज कर रहे हैं। तो अचार जैसे मैंने बताया, ये मैं मिक्स पिकल यूज कर रहा हूँ, आप ग्राइंड करके डाल सकते हैं, ऐसे ही डाल सकते हैं। तो थोड़े बहुत आम का अचार ये स्मैश कर लिया अचार, क्या बात है, फ्लेवर जो आ रहा है मुंह में पानी आ रहा है मेरे, ये हो गया, बन गया अचार यार। अब इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, इसमें डाला थोड़ा हरा धनिया, अचारी आलू रेडी, क्या बात, और फाइनली ये थोड़ा सा हरा धनिया, ये लीजिए अचारी आलू तैयार। अब इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा स्वादिष्ट खाना बनाने का, भाई फटाफट बन गई अचारी आलू सिर्फ आपके लिए।